शीतला माता की जय। होली के आठवें दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। उत्तर भारत में इस त्यौहार का खास महत्व है। हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता को बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। शास्त्रों में शीतला माता को आरोग्य प्रदान करने वाली देवी बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन जो महिला माता का व्रत रखती है उनका श्रद्धा पूर्वक पूजन करती है उनका परिवार और बच्चे निरोगी रहते हैं। उन्हें बुखार, खसरा, चेचक, आंखों के रोग आदि समस्याएं नहीं होती। पौराणिक मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी और माँ शीतला की महत्ता का उल्लेख हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण में बताया गया है। यह दिन देवी शीतला को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला माता चेचक, खसरा आदि की देवी के रूप में जानी जाती है। इनके दो स्वरूप है, देवी दुर्गा और देवी पार्वती। शीतला माता, जैसा की नाम से स्पष्ट होता है कि यह किसी भी समस्या से राहत देने में मदद करती है। माना जाता है कि यदि किसी बच्चे को इस तरह की बीमारी हो जाए तो उन्हें माँ शीतला का पूजन करना चाहिए। इससे बीमारी में राहत मिलती है और समस्या जल्दी ठीक होती है। शीतला अष्टमी के माँ शीतला का विधिवत पूजन करने से घर में कोई बीमारी नहीं रहती और परिवार निरोगी रहता है। इस व्रत में चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतल पदार्थों का माँ शीतला का भोग लगाया जाता है। चेचक, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाते हैं। ऐसी प्रार्थना की जाती है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए यह व्रत हितकारी है। यह व्रत जहां मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करता है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोग को दूर करना भी इसका उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन कई प्रकार के संदेश देता है। इस संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, प्रताप नगर में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे और पूजा के दौरान गांव वालों ने गरिष्ठ का प्रसाद माता शीतला को प्रसाद के रूप में चढ़ा दिया। गरिष्ठ प्रसाद से माता शीतला का मुंह जल गया। इससे माता शीतला नाराज हो गई। माता शीतला क्रोधित हो गई और अपने कोप से संपूर्ण गांव में आग लगा दी, जिससे पूरा गांव जलकर राख हो गया, परंतु एक बुढ़िया का घर बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर न जलने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने माता शीतला को प्रसाद खिलाने की बात कही और कहा कि मैंने रात को ही प्रसाद बनाकर माता को ठंडा एवं बासी प्रसाद माता को खिलाया, जिसे माता शीतला ने प्रसन्न होकर मेरे घर को जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर गाँव वालों ने माता शीतला से क्षमा याचना की तथा आने वाले सप्तमी अष्टमी तिथि पर उन्हें बासी प्रसाद खिलाकर माता शीतला का बछौड़ा पूजन किया। तभी से माता शीतला को ठंडा या बासी भोजन चढ़ाने का चलन जारी हो गया। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से जान लेते हैं कि माता शीतला का व्रत क्यों किया जाता है और इन्हें ठंडा भोजन क्यों चढ़ाया जाता है। माँ शीतला यह व्रत वास्तव में एक वैज्ञानिक पर्व है। इस दिन से गर्मी की विधिवत शुरुआत होती है। यह त्यौहार सांकेतिक रूप से यह बताता है कि इस दिन बासी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, शीतल भोजन ग्रहण करना चाहिए। माना जाता है कि चैत्र महीने से जब गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। अतः इस समय मनुष्य को चेचक रोगों से बचाने का शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत करने का चलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का नाम ही शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्धि, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश भी मिलता है। बोलो शीतला माता की जय।